सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे आज अपने समर्थकों के साथ नगर में खुलेआम हुई हत्या के पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे तथा उनका हालचाल जाना। पालिका अध्यक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सितारगंज में हो रहे अपराध पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से सितारगंज में अपराध बढ़े हैं वह सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता के चलते प्रशासन की लापरवाही से शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अपराधियों को अपराध करने का और मौका मिल रहा है। पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसे अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है जो बेखौफ होकर शहर में अपराध कर रहे हैं। ऐसे संरक्षण देने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि अगर पीड़ित परिवार की सरकार मदद करना चाहती है तो उसको बसाने का काम करे, नौकरी दिलाने का काम करे। इसके अलावा मुकदमे को फास्ट ट्रैक पर ले जाकर कठोर से कठोर आरोपी को जल्द सजा दिलाने का काम करे। देखिए, आप जैसा खुद भी कह रहे हैं और लगातार लोगों को पता भी लग रहा है, मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि सितारगंज में अपराध जो ये बढ़ रहे हैं, इसमें सरकार इस पर अंकुश लगाने में, इसे रोक पाने में नाकाम हो गई है और ये बात तो साबित ही होती चली जा रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जब पूछ रहे हैं कि सरकार को देखना होगा कि ये इस तरीके के जो अपराधी हैं, चाहे खुलेआम हत्याएं हो जा रही हैं, चाहे कुछ दिनों पहले एक हल्द्वा में भी एक कांड हुआ था, अभी भी छोटे छोटे झगड़े भी हो जा रहे हैं, तो आखिर ऐसे अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? इस पर भी सरकार को नजर रखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ जा रही है कि इतना बड़ा कांड कर दे रहे हैं, इनको कौन संरक्षण दे रहा है? उस पर भी सरकार को बहुत नजर बनानी पड़ेगी और संरक्षण देने वाले व्यक्ति पर के खिलाफ जो है कि विरुद्ध कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी हो गई। अन्यथा आप देख रहे हैं कि बहुत बुरा ये कांड, जिसको दूसरा रंग देने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये दूसरा रंग नहीं है, ये अपराधीकरण हमारे सितारगंज में बढ़ रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। और एक चीज और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, ये सभी लोग दिखावा ना करके, उसके परिवार को दिखावा ना करके, वास्तव में जो मदद हो सकती है सरकार से वो, अब देखिए कल ही एक मांग मैंने सुना हो रही थी कि भाई उसको फांसी दे दी जाए। ठीक है भाई, फांसी दे दी जाए, वो पकड़ा गया है, न्यायालय करेगा निर्णय, उसका फांसी भी दी जाएगी या न्यायालय को उचित लगेगा उसे उम्र कैद होगी या न्यायालय को जो भी निर्णय लगेगा वो न्यायालय करेगा। लेकिन जो सरकार कर सकती है, उसे बसाने का काम कर सकती है, उसके जीवन भर के भरण पोषण का काम कर सकती है, उसको नौकरी देने का काम कर सकती है, ये और सरकार ये कर सकती है कि इस तरीके के अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक बना दिया जाए और फास्ट ट्रैक बनाकर उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि बहुत जल्द ये डिले ना हो और बहुत जल्द जो है कि उसको सजा मिल सके ऐसे अपराधियों को और अंकुश लग सके। ये सरकार जो कर सकती है वो सरकार करे, दिखावा ना करके सरकार को काम करना चाहिए और ऐसे आदमी पर भी नजर रखने की बहुत जरूरत है कि जिनके संरक्षण में ये सब अपराध बढ़ रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, ये मैं बार बार ये कह रहा हूं कि लगातार सितारगंज क्षेत्र के अंदर मैं बहुत ज्यादा, हालांकि अपराध तो और जगह भी जैसे भी रह रहे होंगे, लेकिन सितारगंज क्षेत्र के अंदर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आप चोरी बता रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, चैन स्नैकिंग बढ़ रही है और नशाखोरी का खूब काम हो रहा है। उसके अलावा भी पुलिस को इंगित करना चाहता हूँ, पुलिस को ये बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी वो मैंने सुना कि वहां पर गोठा में एक झगड़ा हो गया, उसका सर फूट गया। सर फूटने के बाद अगर वो 3-4 दिन अपनी FIR को ही लेके दौड़ता रहेगा, नहर पार भी झगड़ा हो गया, वहां पर वो एक लेडीज थी, उसके देवर ने मार पिटाई करी, वो लगातार अगर इस तरीके से थाने में जाएंगे और थाने वाले जो है कि उसको तवज्जो नहीं देंगे, तो जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, जो मारपीट कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो